लहरा गागा दे पिंड खोखर कलां च कंध नूं लैके कल दो व्यक्तियों विचकार झगड़ा हो गया सी। इस झगड़े विच सोना खां नां दा व्यक्ति जख्मी हो गया सी, जिसनूं सिविल हस्पताल संगरूर विखे दाखल करवाया गया सी। देर रात जख्मां दी ताब ना सहिंदे होए सोना खां दी मौत हो गई। इस संबंधी मृतक सोना खां दे बेटे ने दस्सिया कि कल कंध नूं लैके मेरे पिता ते करमजीत विचकार झगड़ा हो गया सी, जिस दौरान कंडासा मार के करमजीत ने मेरे पिता नूं जख्मी कर दिता सी। उसने पुलिस पासों करमजीत खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की मांग की। उधर थाना लहरा गागा के SHO जतेंद्रपाल सिंह ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है ते दोषी खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम जगसीर खान जी। खोखर कलां पिंड है, खोखर कलां पिंड है जी। करमजीत थी, उन्हें अपना कंध का रौला ती गई, सीर दे पैसे मंगे, उन्हें गाल कढ़ती मूहरों, फिर उन्हें गड़ासा मारे। यह कल दी है जी, 6 बजे दी। असी पहला लहरे ले गई, लहरों समझो रे अपना संगरूर आ गई, संगरूर तो रात नूं मौत हो गई 2:30 बजे। मंग 302 दा परचा कहने जी, मैं इंसाफ चाहिए जी। मैं ਇਹ ਰੁੱਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਵੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਸੋਨਾ ਖਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਹਰ ਖਾਂ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ, ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।